द क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की वो जिनपे हमें फोकस करना होगा सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट्स रेलवेज की वजह से वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज देखिये जब रेलवेज की बात आती है वी न्यू वन थिंग कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की इन्वेंशन की एंड देन उसके बाद रेलवेज की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम से इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी यह एक फैक्ट है क्योंकि हमें पता है जो भी बेसिक जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है दे न्यू इट तो हम एक तो इसको हम मेंशन करेंगे हालांकि जेम्स वार्ड का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है बट स्टिल हम मेंशन करेंगे क्योंकि ये चीज हमें पता है एंड द सेकंड थिंग जब हम डिफरेंट वर्ल्ड्स की बात करते हैं तो जहां इंडिया के अंदर रेलवे ने का कैसा इंपैक्ट रहा अफ्रीका के अंदर कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसा रहा यूरोप के अंदर कैसा रहा अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कैसा रहा कनाडा के अंदर कैसा रहा इतना हम मेंशन करेंगे राइट सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा चूंकि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है जिस तरह से कोलोनाइज कंट्रीज लाइक इंडिया अफ्रीका कुछ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो इसका जो इंपैक्ट है वेरी डॉ रहा होगा ठीक है वो हम जहां पे मेंशन करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अलग और डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अलग एन डायमेंशन जो हमें क्वेश्चन को देना होगा वो देना होगा पॉजिटिव निगेटिव का इसने तो सिर्फ कहा है कि सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट ठीक है अब सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो हैं ठीक है ना जनरली कनोटेशन है कि पॉजिटिव ठीक पॉजिटिव कनोटेशन में पूछा गया है तो ज्यादा दो हम पॉजिटिव को ज्यादा हमारा आंसर एड्रेस करेगा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बट स्टिल हम जो है एक जो है इसको एंड में निगेटिव भी जहाँ पे मेंशन करेंगे बट चूंकि 150 फिफ्टी वर्ड्स लिखना था तो वर्ड्स का हमें लिमिट रखना भी जहाँ पे जरूरी है इंट्रोड्यूस करते हैं हम जहाँ पे इंट्रोडक्शन से एंड जहाँ पे जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं पूरा ये हम लिख रहे हैं 250 फिफ्टी वर्ड के प्रस्पेक्टिव से ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप बैटर बैटर इसको हैंडल कर पाए इंट्रोडक्शन कैसी होगी हमारी ऐसे कि जिसमें हम ये चीज मैंशन करेंगे ठीक है ये चीज ये तीनों चीजें हम पहले ही सेंटेंस में मैंशन करेंगे द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वार इन द यूनाइटेड किंगडम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज किस टाइम पीरियड में इन Early 19th century. Very fast it spread in Europe and colonized countries, which not only revolutionized transportation, trade, and communication, but also led to changes. इन सोसो इकोनॉमिक अराउंड द वर्ल्ड ये इंट्रोडक्शन आप देखेंगे आपने आप में लिंक थी है लगभग फोर्टी फिफ्टी वर्ड्स की होगी ये बट जब हम दस मार्कर के लिए इसी को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन अर्ली सेंचुरी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी इन यूनाइटेड किंगडम विच सब्सिक्यूंटली स्प्रेड करॉस वर्ल्ड कामा करके हैविंग वेरिड सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इस तरह से करके हम बहुत ही जो है ब्रीफ तब मैंशन करेंगे अब जब हम बॉडी लिखेंगे तो उसके लिए जरूरी है हम पहले जो क्वेश्चन के अंदर की लिखे हैं उसी को जहां पे सब हेडिंग में जहां पे लिख दें दैट इज सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि मैंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज पे इन डेवलपिंग कंट्रीज पे डिफरेंट तरह से इसने इम्पैक्ट किया है दैट्स वॉय हमने जहां पे इस डायमेंशन में इसको मेंशन कर रहे हैं पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज लिखते थे यहां पे पॉइंट मेंशन किया लेड टू अर्बनाइजेशन फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे जब हम एग्जांपल देंगे जनरली अगर हम जनरल तरीके से क्या लिख देंगे जिस तरह से लिखेंगे यूएसए जाहिर सी बात है वहां पे इसने अर्बनाइजेशन uh, को एनहांस किया है इसी तरह से हम यूरोप की एग्जांपल देख सकते हैं बट यहां पे बेटर होगा कि आप स्पेसिफिक रहे मतलब कि पर्टिकुलर वर्ड जब यहां पे आप यूज करेंगे तब एग्जामिनर को लगेगा कि हां आप एक जनरलाइज्ड वे में नहीं लिख रहे कॉमन सेंस से नहीं लिख रहे बल्कि आपने पढ़ा हुआ है ग्रेंड सेंट्रल इन न्यूयॉर्क फॉस्टर्ड अर्बन डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड बर्थड स्पर्ब्स इन यूएसए कामा करके लिख सकते हम कनेक्टिविटी ऐसे मेंशन कर देते हैं जहाँ पे लंदन का दूसरा मेंशन कर देते हैं कनेक्टिविटी लंदन मेजर हब ऑफ एक्टिविटीज दूसरा आप देखेंगे पर्थड नीव एम्प्लॉयमेंट अपूनट विद रोल्स अरेंजिंग फ्रॉम Station masters to engineers. बूस्टिंग एम्प्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक जूरिंग द यूएस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड कल्चरल एक्सचेंज जैसे कि ओरियंट एक्सप्रेस रादर देन यूरोपियन रेलवेज लिखने से कनेक्टिंग पैरिस टू कन्स्टन टीनोपोल सर्वर्ड एज कल्चरल ब्रिज फास्टर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ट्रेडिशंस तो व्हाट वी डिड के सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट्स हमने लिखे डेवलप्ड के प्रस्पेक्टिव में यूएसए एंड यूरोपियन रेलवेज की एग्जांपल हमने यहां पे दी नाउ इसके कॉन्टेक्सट में हम नेगेटिव का भी मेंशन करेंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ रेलवेज ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज किसका मेंशन कर सकते हैं आप इन्विरोनमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जांपल प्रोजेक्ट्स लाइक द चैनल टनल बिटवीन यूके एंड फ्रांस फेस क्रिटिसिज्म फॉर पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट्स ऑन मेरीन इकोसिस्टम देन दूसरा हम मेन्शन कर सकते हैं यहाँ पे रेलवेज की वजह से रीजनल डिस्पेरिटीज भी बड़ी है सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या हुई है फर्दर इंक्रीज हुई है डेवलपमेंट्स लाइक द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया बे एरियाज बार्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर एक्सरबेटिंग जेंट्रिफिकेशन एंड एक्सकलेटिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस इन अर्बन हब्स जेंट्रिफिकेशन एंड एक्सकलेटिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस इन अर्बन हब हब देन है हमारा सोशो सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या आप मैंशन कर सकते वेरी गुड इकोनॉमिक ग्रोथ का फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीकन नेशंस रेलवेज फॉस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बाई इन्हांसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इसकी प्राइम एग्जाम्पल क्या है केन्या जुगेंडा रेलवे प्रोमोटिंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड इंटर रीजनल ट्रेड देन दूसरा आप मैंशन कर सकते हैं सोशल मोबिलिटी की रेलवे ब्रॉड कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट्स टू साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वेयर लाइफ लाइन एक्सप्रेस प्रोवाइडेड मेडिकल सर्विसेज इन रिमोट एरियाज देन कम्युनिटी बिल्डिंग रशिया का हमने मैंशन नहीं किया है ठीक है तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मेन्शन करते हैं यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूनाइटेड रीजन एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन ट्रांसाइबेरियन रेलवे को ब्रैकेट करके आगे रशिया मेंशन कर देन निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेलवेज ऑन डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे तो सबसे पहले आप रिसोर्स एक्सप्लाइटेशन का मेंशन कर सकते हैं लाइक ब्रिटिश कलोनियल रेलवेज इन इंडिया फैसिलिटेटेड इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मेटेरियल्स टू पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट सवियरली हैंडलिंग ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज दूसरी आप देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट लेट डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटली भी ये काफी मेजर इश्यू देखा गया है चाहे वो डेम्स का कंस्ट्रक्शन हो बड़े प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो दे आर डिस्प्लेसिंग क्यूम्यूनिटीज एंड ट्राइबल पॉपुलेशन स्पेशली नुमीरियस कम्युनिटीज डिसप्लेसड ज्यूरिंग दंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल ठीक है इसका आप मैंशन कर सकते हैं देन एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्नस डेवलपिंग नेशन जो है जो सेफ्टी इश्यूज देखने को यहां पर मिल रहे हैं ड्यू टू एन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सीन विद ट्रेजिक इंसिडेंट्स लाइक गेसल ट्रेन डिजास्टर इन इंडिया गेसल ट्रेन इन इंडिया तो देन हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे आप इसको कंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ ग्लोबली हैज बीन ए डबल एज जहां पर एक तरफ इसने प्रमोट की है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रेजेंटिंग कंसिडरेबल चैलेंजेस फर्दर जहां पे आप एंड कर सकते हैं कि जहां पे जैसा कि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को फोकस कर रहे हैं लाइक एज वी आर आइंग डेवलपमेंट्स ऑफ हाइपर लूप्स इट इज़ एम्पेरेटिव टू फॉर्ज पाथस दैट इन्श्योर सेफ्टी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इस तरह से करके हम इसको एंड करेंगे